आप और हम मिल जाएंगे और घर पर मिट्टी के दीप जलाएंगे तो आपके घर पे भी दीपावली आ जाएगी, हमारे घर पे भी दीपावली आ जाएगी और जो लोग मिट्टी के दीप बनाते हैं उनके घर पर भी अच्छी सी दीपावली आए, इसलिए आप अपने घर पर मिट्टी के दीप लगाएं। इसलिए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पर पहले कई बार तो 100 से अधिक परिवार जो है वो मिट्टी के दीप बनाते थे, लेकिन अब 3 से 4 परिवार बाड़मेर में हैं जो अब मिट्टी के दीप बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से मेहनत करते हैं, किस प्रकार से वो मिट्टी के दीप बनाते हैं, सारी बातें जो है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? छोड़ा राम जी। तो आप कहाँ से हो, कितने साल से ये मिट्टी के जो दीप है ये बनाते हैं? मिट्टी का हमारा दादाजी बनाता था, पिताजी सोई राम जी बनाता था, अभी मेरा नाम छोड़ा राम है, हम भी बनाते हैं। आपका रिवास कहाँ है? बाड़मेर बलदेव नगर नया जीएस। कितने परिवार है जो अब दीपक के इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन है वो बनाता है? यहाँ मेरे परिवार में मेरे पिताजी परिवार में दोनों भाई बनाते हैं एंड भी जो मेरा काका बड्डो का भाई है 2-3 जने और बनाता है। अच्छा आप जब काम सीखे थे या आपके पिताजी वगैरह काम करते तब कितने परिवार बाड़मेर में थे जो काम करते थे? पहले तो 60-70 आदमी होते, अभी तो 10-15 आदमी है। अच्छा इनसे ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी लाते हैं खेड़ मंदिर से, बाद में ट्रैक्टर में आती है, ट्रैक्टर से यहाँ खाली होती है, बाद में सूखती है, बाद में और भी लीली कर सुखाती है, बाद में गीजी होती है, बाद में ये माल तैयार होता है। क्या क्या बनाते हो मिट्टी का, क्या क्या आइटम आप बनाते हो? मिट्टी का आइटम दीपक बन रहा है, धोपिया बन रहा है, बड़ा दीपक है, गुल्लक है, मटकी है, हांडी है, पारोटी है, तवी है, सब आइटम बनता है, कोई भी आइटम। तो ये यहाँ पर ही बनकर यहाँ पर ही बिक जाता है या आप बाहर भी कहीं भेजते हो? नहीं यहाँ पर बिक जाते है, कभी भी बाहर भी भराते है, एक्स्ट्रा माल होते हैं तो बार बराते हैं, भी जो यहाँ पे बिक जाते हैं हमारे घर पे पड़ा हुआ ही बिक जाते हैं होलसेल में। अच्छा आपको लगता नहीं है कि कहीं शहर में जो है अब रौनक कम हो चुकी, क्योंकि एक पिताजी वगैरह बनाते उस समय चाइना की लाइटें वगैरह कम आती थी और अब जो दीपक की बिक्री है वो कम हो गई है? और अभी बिक्री थोड़ी कम है, पहले बिक्री ज़्यादा होती थी, एक घर में पहले दीपक 100 लेते थे, अभी 10 दीपक ही लेते हैं। मंदी चल रही है तो भी कारोबार चलता है, तो आदमी भी बनाने वाला इस कारण से कम कर दिया कि माल सेल कम है तो कम कर दिया बस। तो ये लगता नहीं कहीं ना कहीं मजदूरी पर जो है बहुत बनी हानि हो रही है या इस प्रकार मजदूरी पूरी पड़वाती है इस बात को? मजदूरी में नहीं पड़ती है तो और भी दूसरा धंधा सीखा नहीं, हम तो ये धंधा भी सीखा है, जो दाल रोटी मिलती है वही भी होती है। देखिए जिस प्रकार से दीपावली का जो पर्व है उस पर लोग अपने घर पर चाइना की लाइटें लगा लेते हैं, रंग रोगान करवा लेते हैं, लेकिन मिट्टी के जो दीप है वो कम जलाते हैं। अब हम सब मिलकर एक पहल करेंगे और हर घर पर मिट्टी का दीप जलाएंगे और चाइना की जो लाइटें हैं उसका उपयोग जो है जरूर, किसी को लगता होगा कि उससे जो घर का जो रौनक है वो बढ़ जाती है, लेकिन दीपक लगने से बहुत ही रौनक जो है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। और फिक्स है हमारे पुण्य में अमावस से 11 से बीज है हुए नहीं पकाया, लोग पाप है अगर वो कीड़ी मकोड़ी बढ़ जाए।